बच्चों, कल का वीडियो में मैंने सेकेंड वीडियो में बायोलॉजी का 10th क्लास का सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, श्वास नली तक मैंने बताया होगा कि जंतुओं में श्वसन अंग तीन प्रकार का होता, श्वास नली, गलफड़ा और फेफड़ा। मैंने श्वास नली तक बता दिया था बच्चों, आज बताएंगे गलफड़ा। बच्चों ध्यान देना कि सबसे पहले ध्यान देना छोटा, गल बच्चों ध्यान देना, गलफड़ा जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिल्स, गलफड़ा जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं गिल्स, ये जो गलफड़ा होता है छोटा, यह जंतुओं, सबसे पहले तो ध्यान देना कि गलफड़ा श्वसन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग होता, श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है ये जो आपका होता, ये श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ये श्वसन के लिए एक क्या होता, महत्वपूर्ण अंग होता है ये जो आपका गलफड़ा है, ये गलफड़ा श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गलफड़ा है ये जल में घुलित ऑक्सीजन का श्वसन करता है, जल में जो घुलित ऑक्सीजन, जल, जल का सूत्र होता है आपका क्या, H2O, जल का सूत्र क्या होता, H2O, जल का सूत्र ही क्या होता, H2O, तो जल में घुलित ऑक्सीजन का ये जो है श्वसन की क्रिया करता है गलफड़ा के द्वारा, तो गलफड़ा श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, ये गलफड़ा श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का श्वसन करता है, यही आपका कहता गलफड़ा। याद रखना, गलफड़ा के द्वारा मछलियाँ, कौन छूटा, तो मछलियाँ जो है एक गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, ये मछलियाँ गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्या करता, क्रिया करता, ये गलफड़ा जो है श्वसन की क्रिया, गलफड़ा मछलियाँ श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करेगा, गलफड़ा के द्वारा करेगा। बच्चों ध्यान देना, ये जो मछलियाँ है, मछलियाँ में दो समूहों में गलफड़ा पाई जाती है, गलफड़ा जो होता है यह आँख के ठीक पीछे पाई जाती है, ये गलफड़ा के द्वारा मछलियाँ ही श्वसन की क्रिया करता है, गलफड़ा के द्वारा मछलियाँ ही किसकी क्रिया, श्वसन की क्रिया करता, तो मछलियाँ गलफड़ा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करता है। याद रखना, मछलियों में दो समूहों में गलफड़ा पाई जाती है, मछलियाँ में दो समूह में क्या पाई जाती है, गलफड़ा पाई जाती है, दो समूहों में गलफड़ा पाई जाती है, मछलियों में दो समूहों में गलफड़ा पाई जाती है, दो समूहों में गलफड़ा पाई जाती है। तो बाबू, मछलियां जो है वो गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, और प्रत्येक मछली में दो समूहों में आपका गलफड़ा पाई जाती है, इसी को हम गलफड़ा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ अकशेरुकी जलीय जीव है, अकशेरुकी जलीय जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाती, जैसे अकशेरुकी जलीय जीव जैसे झींगा और सीप, झींगा इचना मछली को देखा होगा, और सीप आता है घोंघा, ये सब प्रजाति जो है सीप में आता, तो याद रखना कि दो अकशेरुकी जलीय जीव कहता है अकशेरुकी जलीय जीव। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि अकशेरुकी जलीय जीव जैसे कहता है झींगा एवं सीप, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है क्या, झींगा एवं क्या, सीप। तो झींगा और सीप जो है ये दो अकशेरुकी जलीय जीव है जो गलफड़ा के द्वारा, किसके द्वारा, गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, इसके द्वारा श्वसन की क्रिया करता, गलफड़ा के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है, यही आपका झींगा और सीप है। तो याद रखना, दो अकशेरुकी जलीय जीव, एक झींगा और एक क्या है, सीप, एक झींगा और एक क्या है, सीप, जो गलफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, यही गलफड़ा कहता है। अगला कहता है मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़ा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगला कहता है आपका फेफड़ा। अगला कहता है मेरे बच्चों क्या, फेफड़ा। तो ध्यान देना कि फेफड़ा अक्सर उच्च वर्गीय जंतुओं में फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। उच्च वर्गीय जंतुओं में फेफड़ा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया होती है। जैसे मैमिलिया वर्ग में मनुष्य आ गया, मैमिलिया वर्ग में क्या गया, मनुष्य। पक्षी वर्ग, रिप्टाइल्स वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। तो याद रखना कि जो बड़े जीव हैं, उच्च वर्गीय जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिलाय, उड़ार, सियार, गधा, घोड़ा, हाथी, गेंडा, है ना, जैसे घड़ियाल, सर्प, है ना, मनुष्य इत्यादि, ये सभी फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता, ये सभी जो है फेफड़ा के द्वारा ही क्या करता, श्वसन की क्रिया करता है। तो उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के द्वारा, श्वसन जो करता है वो फेफड़ा के द्वारा करता है। फेफड़ा श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, फेफड़ा भी श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये जो अंग होता है अक्सर उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाती है। कुछ वैसे भी जीव हैं जो नोज से, नाक से, जो मुख से और अपने शरीर से श्वसन की क्रिया करता है, जो नाक से, मुख से और अपने शरीर से श्वसन की क्रिया करता, जैसे एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले मेंढक। मेंढक देखना मुख से भी, नाक से भी और अपने शरीर से भी यह श्वसन की क्रिया कर लेता है, यही करता है फेफड़ा। तो फेफड़ा उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये जो आपका फेफड़ा है, जैसे उच्च वर्गीय जंतुओं में ये जो आपका दिया गया, उच्च वर्गीय जंतुओं में पाई जाती है। यही नहीं, कहता है मेरे बच्चों ये फेफड़ा एक वायवीय श्वसन की क्रिया करता है। फेफड़ा एक कैसा श्वसन करता, वायवीय श्वसन। फेफड़ा जो है ये वायवीय श्वसन की क्रिया करता है। ये जो आपका फेफड़ा है, ये फेफड़ा एक वायवीय श्वसन की क्रिया करता है। ये फेफड़ा आपका वायवीय श्वसन की क्या करता, क्रिया करता है, वायवीय श्वसन की क्रिया करता है। और वायवीय जो श्वसन होता उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अधिक मात्रा में श्वसन की क्रिया करता तो फेफड़ा एक वायवीय श्वसन की क्रिया होती। वायु की उपस्थिति में ही यह अपना श्वसन की क्रिया करता है, इसी को हम फेफड़ा कहते हैं। बच्चों याद रखना, जब फेफड़ा हो गया छोटा, तो अब जानिए मनुष्यों में श्वसन तंत्र। कहता है मेरे भाई कि मनुष्य में श्वसन तंत्र। कहता है छोटे कि मनुष्यों में श्वसन तंत्र। ध्यान देना मेरे बच्चों, मनुष्य में श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र जो एक श्वसन अंग होता। बच्चों ध्यान देना, ये जो आपका दिया गया श्वसन अंग, कहता है मनुष्यों में श्वसन तंत्र। मनुष्यों में कौन तंत्र, श्वसन तंत्र। मनुष्यों में जो श्वसन तंत्र है यही आपका श्वसन अंग होता है। बच्चों ध्यान देना कि मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है ये फेफड़ा। बच्चों फेफड़ा श्वास नली, स्वर यंत्र, नासिका छिद्र इत्यादि मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करता है। श्वसन, मनुष्य में जो श्वसन अंग होता है इसमें नासिका छिद्र कहता है स्वर यंत्र, कहता है श्वास नली, कहता है फेफड़ा, ये सभी मिलकर और एक श्वसन अंग बनाता है। ये सभी आपका मिलकर एक श्वसन अंग का निर्माण करता, एक श्वसन अंग कहते हैं। तो याद रखना कि श्वसन अंग जो होता, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा इत्यादि मिलकर एक श्वसन अंग का निर्माण करता है, यही आपका श्वसन अंग शो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका श्वसन अंग है इसमें एक टर्म आता नासिका छिद्र, नासिका। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि ये जो आपका दिया गया ये आपका नासिका। तो देख, नासिका नाक को कहते हैं, नोज को छोटा। ये जो नासिका होता, इस नासिका में
दो गोलाकार छिद्र होता। ये नासिका में दो गोलाकार छिद्र होता और ये दोनों गोलाकार छिद्र अंदर की ओर जाकर दो वेश्मों में खुलता है। ये अंदर की ओर जाकर कितने वेश्में? दो वेश्मों में खुलता है। तो नासिका में कहता है कि दो गोलाकार छिद्र होता, नासिका में दो गोलाकार क्या होता? छिद्र होता, जो अंदर की ओर, जो किस ओर? अंदर की ओर दो वेश्मों में खुलता है। अंदर की ओर कितने वेश्म में खुलेगा? दो वेश्मों में। कितने वेश्मों में खुलेगा? दो वेश्मों में खुलता है। ये दो वेश्मों में खुलता है। ये नोज जो होता है ये स्वर यंत्र से मिला होता, नासिका छिद्र जो होता, नासिका छिद्र स्वर यंत्र से। कैसे? कभी अक्सर अगर पानी पीते होंगे तो पानी पीते समय आप देखते होंगे कि कभी सरक गए, कभी खांस गए तो पानी नाक से आ जाता है। यही नहीं बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा खाते खाते अगर कहीं हंसी लग गया तो ये हंसी आपका मजाक जो है बदल जाता है दूसरे रूप में। आप देखना कभी सरक गए हो तो सरकने के बाद वो चावल का एक आध दाना भी नाक के द्वारा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये नासिका जो छिद्र है ये यहाँ पर स्वर यंत्र के जाकर मिलता, दो विश्व में यहाँ जाकर खुलता है। यही नासिका है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। कहता है मेरे भाई कि ये जो आपका नासिका है उसमें आता है स्वर यंत्र, जो हमें आवाज निकल रही है। आवाज जो निकलती है स्वर यंत्र, एक नलिका होता जिसे कहते हैं, स्वर यंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं आपका लैरिंग्स। स्वर यंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स। ये जो होता है स्वर निकालता है, ये जो है आवाज को निकालता है, स्वर निकालता। और दूसरा है श्वास नली। तो ये जो श्वास नली, इसके बारे में बताए थे, ये नलिका के रूप में रहता है, ये नली रहता है। क्या रहता? नली। तो ये श्वास नली जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया, इस श्वास नली की जो लंबाई होता मनुष्य में श्वास नली की जो लंबाई होती 11 सेंटीमीटर होता है। कहता है कि मनुष्य में श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है और इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। बहुत श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर और श्वास नली का व्यास 16 मिलीमीटर है ना। श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर, श्वास नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर और श्वास नली का जो व्यास होगा वो 16 मिलीमीटर होता है। यही कहता आपका कि श्वास नली। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़ा के बारे में भी बता दिया गया है। भाई जानना छोटे, अगला टॉपिक कहता है कि श्वसन की क्रियाएं, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कहता है श्वसन की क्रियाएं, कहता है भाई कि श्वसन की क्रियाएं, ये जो आपका श्वसन है ये वास्तव में आपका श्वसन है क्या? तो श्वसन की क्रियाएं, कहता है श्वसन दो क्रियाओं के सम्मिलित रूप होता। ये जो आपका श्वसन होता, ये श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। ये श्वसन दो क्रियाओं का कैसा रूप है? सम्मिलित रूप है। दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। ये जो श्वसन है, ये श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। तो श्वसन की क्रियाएं का दो सम्मिलित रूप है, दो सम्मिलित रूप है। एक रूप है निश्वसन, निश्वसन जिसको कहते हैं प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। और एक आता है उच्च श्वसन, एक आता है उच्च श्वसन। तो ध्यान देना बच्चों, कहता है कि श्वसन की दो क्रियाएं होता है, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला निश्वसन जिसे कहते प्रश्वास, क्या कहते प्रश्वास। और दूसरा है उच्च श्वसन। कौन श्वसन? उच्च श्वसन। तो आइए मैं चर्चा करता हूं निश्वास। याद रखना बच्चों, कहता है निश्वसन, क्या कहता है? निश्वसन जिसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? श्वास, प्रश्वास। क्या कहते हैं? प्रश्वास। तो ध्यान देना कि ये जो आपका दिया गया कहता है प्रश्वास। ध्यान दे बच्चों, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, जब हम लोग सांस अंदर की ओर लेते हैं, भाई बच्चों
जब हम लोग सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो श्वसन की क्रिया हुआ, तो श्वास को जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाता है, ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर जाता है, तो सांस को ग्रहण करने की क्रिया निश्वसन कहलाता है। श्वसन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया, श्वसन को अंदर लेने की क्रिया, सांस को ग्रहण करने की क्रिया ही निश्वसन कहलाता है, निश्वसन या प्रश्वास के नाम से कहलाता है। जैसे हम श्वसन को ग्रहण किए तो सांस को जब लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु हमारा शरीर के अंदर में जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। अंदर जाने के बाद बहुत सारा वैसा प्रक्रिया होता है जो कि आपको बताया गया और बताया जाएगा। जैसे सांस को अंदर ग्रहण करते हैं वो लंग्स में जाता, लंग्स के बाएं आलिंद और दाएं निलय में जाता, फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होने के बाद हार्ट से फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, जो कि आगे पढ़ना भी है और पीछे कुछ पढ़े भी होंगे। तो बच्चों ये निश्वास, तो श्वसन निश्वसन क्या है या प्रश्वास क्या है, तो जब किसी ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया ही हम निश्वसन कहलाता है या हम निश्वसन कहते हैं। अगला कहता है प्रश्वसन, ये उच्च श्वसन। क्या कहता है? उच्च श्वसन। क्या कहलाता? उच्च श्वसन। क्या कहते हैं? देख, ये जो उच्च श्वसन है, जब हम लोग शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं, मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं, सांस को बाहर क्या करते हैं? छोड़ते हैं सांस को बाहर। सांस बोलना नाक से, सांस, सांस नहीं, सांस, सांस मतलब होता है उनकर मम्मी, नहीं सांस नहीं, सांस, सांस मतलब क्या? श्वसन। तो सांस को हम लोग अंदर से जब बाहर छोड़ते हैं, अंदर से जब बाहर हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं, तो उसे उच्च श्वसन कहते हैं। कौन श्वसन? उच्च श्वसन। तो सांस को जब हम अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर छोड़ते हैं तो उसे उच्च श्वास कहते हैं। तो जो शरीर से बाहर हम लोग श्वसन की क्रिया करते वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त श्वास होता है, है ना। जो वायु हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होता, बेकार वायु होता, वो हम उसे बाहर छोड़ते हैं। तो श्वसन को बाहर छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाता। क्या कहलाता? उच्च श्वसन। और श्वसन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया निश्वसन कहलाता। बच्चों ध्यान देना, आप जानते हैं कि मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती है। मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां होती है, पसलियां। याद रखना बच्चों, मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। मनुष्य के सीने में कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। तो मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती है। बच्चों मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियां? 12 जोड़ी पसलियां होती है। वो एक जोड़ा में दो गो, तो 12 जोड़ा में 24 गो, मतलब कि 12 इधर और 12 इधर, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियां? 12 जोड़ी पसलियां होती है। याद रखना बच्चों कि मनुष्य के सीने में 12 जोड़ी क्या होती? पसलियां होती है। कहता है छोटे कि प्रश्वास और उच्च श्वास, प्रश्वास और उच्च श्वसन के जो सम्मिलित रूप होता है, है ना, जो सम्मिलित क्या होता? रूप होता है, इसे कहते हैं उच्च श्वासोवसान, उच्च श्वासोवसान। तो ध्यान देना छोटा, यही कहता है आपका श्वसन। क्या कहता? श्वसन। ध्यान देना, मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, ये रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता, वो रक्त का रंग क्या होता? लाल होता। और रक्त का जो रंग लाल होता, ये हीमोग्लोबिन के कारण होती है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। मनुष्य में रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना, हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता? लाल होता है। बच्चों यही कहता है हीमोग्लोबिन। पेड़ पौधे श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है, तो पत्तियों के द्वारा भी करता है, पुराने शाखाओं के द्वारा भी करता है, कुछ कुछ जड़ के द्वारा भी करता है। तो पत्ती, जड़ और तना भी हो सकता है, लेकिन पत्तियां के द्वारा जब करता तो रंध्र मतलब एस्टोमाटा हो गया, इंग्लिश में एस्टोमाटा, तो रंध्र के द्वारा ही ये गैसों का आदान प्रदान करता, लेकिन पत्तियों से करता है, पत्तियों में ही रंध्र पाया जाता, जो पहला लेसन बायोलॉजी का पढ़े होंगे बच्चों। तो आज
आपका चैप्टर बायोलॉजी का सेकेंड लेसन खत्म हुआ। बच्चों ध्यान देना, जितना भी लिखाने का काम है आप अपने वीडियो से भी लिखा सकते हैं और लिख सकते हैं, पुश कीजिए, पुश करने के बाद आप अपना ये कर लेने, तो अदरवाइज जब उधर से आएंगे बच्चों तो आराम से आपको लिखाया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।